ब्रिटेन में भयंकर बवाल मच गया है। ब्रिटेन में हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने के आरोप में 24 मस्जिदों को घेर लिया गया है। ये नहीं है, अगर वो इस्लाम नहीं लेके आते, आपने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग में मौजूद है जी जी। पहले उसे आप तबलीग करें, हाँ जी। अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा तो फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान है, मार सकते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद नहीं है। आपके हाफिज साहब बता रहे हैं आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को और पूरी दुनिया में हमारी बिस्ती होती है। ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया मस्जिदों में। 24 मस्जिदें सारी की सारी, जो की हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। और अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन 24 मस्जिदों पर जो शक था वो सही निकला। ये मस्जिदें लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में, इन मस्जिदों से गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, फतवे जारी किए जा रहे थे। और ये जो टाइगर बैठ गया, आपके टाइगर नहीं है, ये सुअर है, ये सुअर जो बैठ गए हैं, जो कि सारे पाकिस्तानी निकले, एक भी भारतीय नहीं था उसमें हेट स्पीच के अंदर। अभी रुके, बहुत कुछ और है। देखें, पाकिस्तान जो है ये अपना एक नज़रिया रखता है, तो वहाँ हमारे मुसलमानों के साथ कितना ज़ुल्म होता है, तो उनके साथ तो यकजहती का इजहार नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों के साथ होना चाहिए। आज देखें, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, हर जगह मुसलमान ही ज़ुल्म का शिकार हैं, तो मुसलमानों को अपना एक रोल दिखाना चाहिए, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ नहीं उठ रहे। तो अगर ये ज़ुल्म के ख़िलाफ़ सिर्फ सीधा इशारा ही कर देना हम आ रहे हैं जिहाद करेंगे, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आप इंसानों को, मुसलमानों को जिंदा ज़िबा किया जा रहा है, आप देखते होंगे नेट पर, बड़ा मशहूर है। मजे की बात देखिए कि इन सभी 24 मस्जिदों को पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जहर उगलने वाले 24 मस्जिदों पर ब्रिटेन ने एक्शन किया है। मौलाना का कनेक्शन पाकिस्तान से मिला है। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने देश का नाम बदनाम करने से बाज नहीं आते। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं, वहां उन्होंने मस्जिद बना लिया है। उन मस्जिदों में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत फैलाते पकड़े गए हैं सब, इसीलिए अब ब्रिटेन ने 24 मस्जिदों पर जांच करने का फैसला किया है। ब्रिटेन में अब मस्जिदों पर लगान कसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का मानना है कि मस्जिदों से ही गैर मुस्लिम के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये मस्जिदें ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहर में हैं। इन मस्जिदों से गैर मुस्लिमों के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका संचालन पाकिस्तान मूल के लोग करते हैं। पिछले साल गाजा में जंग शुरू होने के बाद इन मस्जिदों से घृणा फैलाने की कई शिकायतें भी मिली थी। ब्रिटेन के कई मस्जिदों के मौलवियों ने यहूदियों के खिलाफ जहर उगला था। मौलाना ने इसराइल को खत्म करने, यहूदियों को मारने और अल्लाह के लिए युद्ध छेड़ने जैसे हिंसक संदेश दिए थे। अब ये सब ब्रिटेन की जांच में है। अगर मौलाना दोषी पाए जाते हैं तो इनको 14 साल की जेल हो सकती है। बड़ी ही खबर आई है एक यूके से, और यूके में क्या चल रहा है, वहां पर एक रोलर कोस्टर राइड होनी शुरू हुई है मुसलमानों के खिलाफ। क्या हो रहा है, ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया मस्जिदों में। वहां पर एकता कपूर का सीरियल लगता है, जैसे कि वहां पर एकता कपूर के सीरियल में विलन आते हैं और लड़कियां आती हैं काले बोरे डालकर और आके बोलती हैं हमारे अगेंस्ट गलत काम किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदें सारी की सारी, जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। और हो क्या रहा है, ब्रिटेन ने भी शर्लक होम्स वाला काम कर दिया। बहुत देर से उनके ऊपर सर्वेलेंस थी, उनके ऊपर आंख रखी जा रही थी कि ये कर क्या रहे हैं, और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड नॉन मुसलमानों के खिलाफ, और कई महीनों से ये यहां पर काम चल रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमरे लगे हुए थे, जैसे बिग बॉस में लगे होते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर, सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया गया है। और अब चीजें उन्होंने तो पूरे प्रूफ्स उनके हाथ में आ गए हैं, उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रिटेन वालों को समोसे में आलू दिख गया हो। ओ भाई, हमें सबको पहले ही पता था कि समोसे के अंदर आलू होता है, आपने इतने महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि समोसे के अंदर आलू है। ये तो सबको मालूम है कि जिहाद की फैक्ट्रियां इनकी मस्जिदें ही होती हैं, और आपने यूके के अंदर हजारों मस्जिदें बना दी इनको खुश करने के लिए। ये कॉकरोच तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। और पाया क्या गया है, लंदन हो, लिवरपूल हो, बर्मिंघम हो, कोई बड़ी सिटी नहीं है जहां पर जो इनके अंदर
जिहादी जाने वाले का जो ट्रैफिक है वो तो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक तो इनकी मस्जिदों में जाता है और वहाँ पर फतवे इशू हो रहे हैं और वहाँ पर गीत गाए जाते हैं हमास की फेवर में कि जैसे हमास ने इसराइल के साथ किया वैसे ही हम यूके में भी करेंगे। अब जब आग इनके अपने घर तक आ गई तब इन्होंने इनके ऊपर सर्वेलेंस करनी शुरू करी है और इन्होंने बोला है कि जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। ये सड़कों पे जो डड्डू पोस्ट करते हैं ना ऐसे 5 बार दिन में वो बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग अब इनके पिछवाड़े तक आ गई है यूके वालों के। हमें ये लेक्चर देते थे कि आप इनको बेचारों को इतने सीधे साधे ये लोग हैं अगर वहाँ पे डड्डू पोस्ट कर रहे हैं सड़कों पे बैठकर आप अपोज क्यों करते हैं। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमें पीस चाहिए। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा जो यूके का पीस है वो चाहिए और ब्रिटेन वाले बोलते हैं वी वॉन्ट। और ये जो टाइगर बैठ गया आपके टाइगर नहीं है ये सुअर हैं, ये सुअर जो बैठ गए हैं जो कि सारे पाकिस्तानी निकले एक भी भारतीय नहीं था उसमें। और ये क्या कर रहे हैं वही जो ये हमेशा करते हैं गन डालने का काम करते हैं। अब ब्रिटेन वाले लोगों ने भी सड़कों पे आना शुरू हो गया कि अब हमें अपनी कंट्री वापस चाहिए। यूके में हो रहा है ब्रिटिश लोग जो पहले बोलते थे कि भाई ये तो बेचारे लोग हैं ये हमारा क्या कर लेंगे ये तो लाचार हैं काले बोरियां डाली हुई हैं अनपढ़ लोग हैं, अब उनको पता लगा कि पूरी कंट्री ही टेक इन सीधे साधे मुसलमानों जो रो रो के कैमरे के सामने आकर ड्रामे करते थे। और ये हुआ क्यों है ये सारा कुछ जैसे ही लेबर की ये स्टामर की जो गवर्नमेंट आई है उसने आते ही इनको थोड़ा सा बढ़ावा देना शुरू कर दिया और मस्जिदों के अंदर जैसे ही स्टामर आया है मस्जिदों में फतवे निकालने शुरू हो गए हैं। और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टामर के आने के बाद भंगड़े डाले हैं जैसे कि इन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया हो, लेकिन वहाँ पर वो लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो स्टामर की गवर्नमेंट है वो अपने ही पॉपुलेशन को अंदर करती जा रही है अगर आपने मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे, हिंदू नहीं है वो। और ये जो मुसलमान एक टांग के ऊपर खड़े होकर नाच रहे थे हमास के अटैक के बाद आज उनकी मस्जिदों के ऊपर लॉक लगने शुरू हो गए हैं। ये छोटी न्यूज़ नहीं है। तो अमन मैं इतनी उम्र हो चुकी है मैं तुमसे बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने केसेस मैंने देखे हैं जितने ट्रायल्स मैंने किए हैं उन सब के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुसलमानों को करेक्ट ना करके उनके अंदर अच्छी चीजें ना उनको मतलब बोला जाए कि ये अच्छा है ये करो इससे तुम्हारी बेटी को सुरक्षा होगा ये सब ना कर करके मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहिए और केंद्र की सरकार से संसद के पटल से इस्लामिक पनिशमेंट लागू होना चाहिए। आधा अधूरा इस्लाम क्यों मानेंगे ये लोग, पूरा मानते हैं ना। मैं तो चाहती हूँ कि मुसलमानों को ना शरिया से दूर किया जाए मुसलमानों को ना इस्लाम से दूर किया जाए और कोई कर भी नहीं रहा है, लेकिन शरिया कानून नहीं चलना चाहिए कि मैं और आप समझते हैं कि पैरेलल कानून क्यों चलेगा। लेकिन जब अब इस देश के 20-22 करोड़ मुसलमान इस जिद को पकड़ करके रखे ही हुए हैं कि वो शरिया से ही चलेंगे तो क्यों ना इस्लामिक पनिशमेंट भी इंप्लीमेंट कर दिया जाए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ सालों पहले की बात है 2 या 3 साल पहले की बात, यही बात मैंने मदनी साहब से कही थी तो वो कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है आप क्रिमिनल कोड में भी इस्लाम लगा दीजिए कटवाइए मुसलमानों के हाथ उनको संसार करवाइए हमें कोई एतराज नहीं। उनको पता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पर चोर के हाथ नहीं काटे जा सकते यहाँ पर किसी को एकदम से फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता यहाँ पर किसी को संसार नहीं किया जा सकता सड़क पर, तो ये बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं इसलिए आप इधर बोल के निकल जाएंगे लेकिन मनवाएंगे अपने सिविल राइट्स में।